आज आम आदमी पार्टी का दिल्ली का घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी और लोकसभा के हमारे सभी उम्मीदवार आपके बीच में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र जो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, इस घोषणा पत्र को बनाने के लिए हमने पहले ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में मैनिफेस्टो कमेटी घोषित की थी, जिसमें डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, सीमा जोशी जी जो IITian हैं, लक्ष्मण यादव जी जो जाकिर हुसैन कॉलेज में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर CP कपूर जी जो विवेकानंद कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और मनोज गुप्ता जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर हैं, और इसके साथ साथ दिल्ली के तमाम एक्सपर्ट्स जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों ने भी सहयोग किया। आज पूर्व घोषित तिथि के अनुसार मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी का लॉन्च करने हम जा रहे हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा सभी अरविंद जी से और पूरी टीम से कि पहले मैनिफेस्टो लॉन्च करें, उसके बाद अरविंद जी अपनी बात रखेंगे और फिर मनीष सिसोदिया। अब मैं अरविंद जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। 2019 का ये चुनाव किसी एक पार्टी के किसी एक मैनिफेस्टो का चुनाव नहीं है। आने वाले कौन सी पार्टी आने वाले 5 साल के अंदर क्या काम करेगी, वो सारी बातें इस चुनाव में छोटी रह जाती हैं। ये 2019 का चुनाव भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 2019 का ये चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है। 2019 का ये चुनाव भारत के जनतंत्र को बचाने का चुनाव है। 2019 का ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। भारत कोई 10 साल 20 साल पुराना देश नहीं है। भारत 4000-5000 साल पुराना देश है। भारत की एक बहुत ही रिच संस्कृति है। भारत में ढेरों धर्म के लोग रहते हैं, ढेरों जातियों के लोग रहते हैं। भारत इन सभी विविधताओं में एक है। हम हिंदू हो सकते हैं, हम मुसलमान हो सकते हैं, हम सिख हो सकते हैं, हम इस जाति के हो सकते हैं, हम उस जाति के हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। यही पिछले 4000 साल से भारतीय संस्कृति इसी बात की द्योतक है। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। पिछले 3000-4000 सालों के अंदर भारत पे तरह तरह के हमले हुए, लेकिन वो सारे हमले भारत बर्दाश्त कर पाया क्योंकि भारत एक था। भारत में सभी धर्म के लोग एक थे, भारत में सभी जातियों के लोग एक थे, भारत में सभी क्षेत्र में रहने वाले लोग एक थे, सभी संस्कृति के लोग एक थे, सभी भाषाओं के लोग एक थे। आज हमारी भारत की संस्कृति के ऊपर प्रहार हो रहा है, आज हमारी एकता के ऊपर प्रहार हो रहा है। और अगर भारत एक नहीं रहा, भारत अगर धर्म के नाम पे बट गया, भारत अगर हिंदू और मुसलमान में बट गया, भारत अगर इस जाति और उस जाति के बीच में जाट और नॉन जाट में बट गया, मराठा और नॉन मराठा में बट गया, पटेल और नॉन पटेल में बट गया, तो भारत नहीं बचेगा। इस 4000 साल पुरानी संस्कृति के ऊपर आज प्रहार हो रहा है और 2019 का ये चुनाव उस भारत को बचाने का चुनाव है। अगर भारत बचेगा तो पार्टियां बचेंगी, भारत बचेगा तो ये मैनिफेस्टो बचेंगे। तो ये जितने मैनिफेस्टो हैं ये सारे छोटे पड़ जाते हैं। हमें इस चुनाव को उस परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। आज हमारे देश की रूलिंग पार्टी ने
कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें कई सारी बातें कहीं, लेकिन उनके प्रेसिडेंट पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव के दौरान तो ये सारे जुमले बोले जाते हैं। अमित शाह जी ने शायद 10 अप्रैल को एक स्टेटमेंट दिया था जो आज भी उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर है। उन्होंने कहा था, मैं पढ़ूंगा वो, क्योंकि कभी कह दिया जाए कि केजरीवाल ने गलत कोट किया। अमित शाह जी ने कहा, वी विल रिमूव एवरी सिंगल इन्फिल्ट्रेटर फ्रॉम दिस कंट्री एक्सेप्ट बुद्धाज, हिंदूज एंड सिक्स। हम इस देश से सभी इन्फिल्ट्रेटर्स को भगा देंगे, हिंदू, सिख और बुद्ध छोड़ के। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, जैनियों को, पारसियों को और अन्य सभी धर्मों को इन्फिल्ट्रेटर मानती है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्लान है कि अगर वो अगले 5 साल में आए तो इन 3 धर्मों को छोड़ के बाकी सभी धर्मों को इस देश से भगा दिया जाएगा। क्या ये हो सकता है? क्या ये संभव है? आज 125 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 20 से 25 करोड़ लोग इन धर्मों से आते हैं। तो अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, उनका क्या प्लान है? इन सब लोगों का कत्लेआम कर दिया जाएगा? इन सब लोगों को पैसिफिक ओशन के अंदर फेंक दिया जाएगा? इन सब लोगों की मॉब लिंचिंग करा दी जाएगी? इन सब लोगों का क्या किया जाएगा? तो अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी का बस ये एक लाइन का मैनिफेस्टो है, जो मैनिफेस्टो इन लोगों ने आप सब कैमराज के सामने रिलीज किया था वो मैनिफेस्टो नहीं था, उनका ये एक लाइन का मैनिफेस्टो है। 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के इस एक लाइन के मैनिफेस्टो को हराने का चुनाव है, इसको ख़त्म करने का चुनाव है। पाकिस्तान भी यही चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े, अंदर से भारत कमज़ोर हो जाए, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें, हिंदू और क्रिश्चियन आपस में लड़ें। पाकिस्तान भी यही चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा कर रही है। आज हमें भारत के एजेंडे को तैयार करना है, भारत को एक रखना है। आम आदमी पार्टी का सबसे पहला एजेंडा इस चुनाव में है किसी भी तरह से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को केंद्र के अंदर सरकार बनाने से रोकना। आज हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो यही है। जो कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी हम उसके लिए वो सब करेंगे जो अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी को केंद्र में सरकार बनाने से रोके। मोदी सरकार के अलावा जो भी केंद्र के अंदर भारत के संविधान और भारत की एकता के ऊपर यकीन, सेक्युलरिज्म के ऊपर यकीन करने वाली जो भी सरकार बनेगी, गठबंधन की बने या किसी भी पार्टी की बने, इन मोदी सरकार और इनके अलावा, उसका आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी। और समर्थन करते वक्त आम आदमी पार्टी उम्मीद करेगी कि दिल्ली की जो 70 साल पुरानी मांग है दिल्ली के लोगों की, कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उस मांग को अब पूरा किया जाएगा। पिछले 70 साल से दिल्ली के लोग अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछले 70 साल से दिल्ली के लोग अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आसाम, उधर गुजरात और इधर मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक हर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा चुका है। हर राज्य के लोग अपनी सरकारें चुनते हैं और जो सरकार लोग चुनते हैं उस सरकार के पास अपने लोगों की इच्छाओं को और अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने की सभी ताकतें होती हैं। तो फिर दिल्ली के लोगों के पास ये अधिकार क्यों नहीं है? दिल्ली के लोग जो अपनी सरकार चुनते हैं वो उस सरकार के पास कोई ताकत नहीं होती है उनके काम पूरे करने के। तो आज हमारा दिल्ली का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो यही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाकर रहेगी। उसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। केंद्र सरकार में जो भी सरकार बनेगी, आज जो परिस्थिति केंद्र सरकार के अंदर है इन चुनावों के अंदर, ऐसा नज़र आता है कि किसी की भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला। तो मोदी अमित शाह की जोड़ी को, भाजपा को छोड़ के जिसकी भी सरकार बनेगी, हम ये उम्मीद करेंगे ये 7 सीटें जो दिल्ली की हैं, ये 7 सीटें केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इन 7 सीटों के बल पे केंद्र सरकार बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। और इन 7 सीटों का समर्थन तभी मिलेगा जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो हमारी दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित होंगी। आज दिल्ली को पूरी दुनिया के अंदर रेप कैपिटल के नाम से जाना जाता है। 6-6 महीने की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। क्यों हो रहा है? लोग पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस सुनवाई नहीं करती, पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। क्यों? पुलिस कहती है हम सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं, प्रधानमंत्री जी के पास टाइम नहीं है पुलिस के देखने का। अगर किसी के घर में कुछ गलत काम हो जाए तो वो प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल सकता, वो अपने मुख्यमंत्री से मिल सकता है, वो अपने एमएलए से मिल सकता है, वो अपने एमएलए को टाइट भी कर सकता है, अपने मुख्यमंत्री को डांट सकता है, एक आम आदमी प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकता। तो आम दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, हमारी महिलाएं सुरक्षित होंगी, दिल्ली पुलिस को जनता के प्रति जवाबदेह किया जाएगा। और दिल्ली पुलिस के अंदर आज 2/3 पोस्ट वेकेंट पड़ी हैं, उन पोस्ट्स को भरा जाएगा। आज एक दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, एक सिपाही, एक कांस्टेबल 36-36 घंटे की ड्यूटी करता है बिना सोए हुए। आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा? वो इसलिए करता है क्योंकि आज 2/3 वैकेंसी दिल्ली पुलिस के अंदर है। ये 2/3 वैकेंसी भरेंगे तो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी भी जोश के साथ और ईमानदारी के साथ काम कर पाएंगे। दिल्ली पुलिस का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी। आज हमारे बच्चों को कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलते हैं। एडमिशन क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली के कॉलेजों में आके एडमिशन लेते हैं। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन दिल्ली से 12वीं पास करने वाले बच्चों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए हमारे दिल्ली के कॉलेजों में। आज 95% नंबर लाने वाले भी हमारे दिल्ली के बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलते। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो दिल्ली के सारे कॉलेजों के अंदर 85% सीट्स हम लोग दिल्ली से 12वीं पास करने वाले बच्चों के लिए रिजर्व कर देंगे। हम दिल्ली के अंदर इतने कॉलेज, आज हम दिल्ली में कॉलेज खोलने के लिए इनसे जमीन मांगते हैं, ये तो जमीन नहीं देते। आज हम कॉलेज खोलने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है केंद्र सरकार से। नई यूनिवर्सिटी खोलने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है केंद्र सरकार से। 4 साल पहले हमने केंद्र सरकार से परमिशन मांगी थी, अभी तक उन्होंने परमिशन नहीं दी हम लोगों। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दिल्ली के अंदर इतने कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल देंगे कि 60% नंबर आने वाले बच्चे को भी दिल्ली के कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। आज हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की सरकार के अंदर जितनी वैकेंसी निकलती है इसमें भी दिल्ली के बाहर के बच्चे आके ले लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं। दिल्ली के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि 85% नौकरियां दिल्ली सरकार की, दिल्ली के रहने वाले वोटर, वैसे तो दिल्ली में सभी बाहर के लोग हैं, बाहर के राज्यों से आए हैं, लेकिन जिसने अब दिल्ली को अपना घर बनाया, जिसने अब दिल्ली को, जिसमें जो अब दिल्ली का वोटर हो गया, उनके बच्चों को, उन लोगों को दिल्ली सरकार के अंदर उनके लिए 85% नौकरियां रिजर्व की जाएंगी। आज इतने सारे कर्मचारी ठेके पे काम कर रहे हैं, हम उनको पक्का करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने कितनी बार ऑर्डर पास कर दिया लेकिन केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली। दिल्ली की कैबिनेट ने कितनी बार ऑर्डर पास कर दिया लेकिन केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली कि हम सारे ठेके के कर्मचारियों को पक्का करना चाहते हैं। जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली के सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। आज दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को हम पक्का करना चाहते हैं। दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को पक्का करने के लिए दिल्ली असेंबली ने प्रस्ताव भी पारित किया था, उसके लिए कानून भी पारित किया था, लेकिन आज दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। हम कानून पास करते हैं, दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार असेंबली में बैठ के दिल्ली के लोगों के हितों के लिए कानून पास करती है, उस कानून की कोई वक्त नहीं है। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो हम कानून पास करके दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को उनका हक दिलाएंगे, उनकी नौकरी को पक्की किया जाएगा। आज दिल्ली पूरी दुनिया की राजधानी, आप कहीं चले जाइए, पेरिस चले जाइए, लंदन चले जाइए, टोक्यो चले जाइए, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कहीं चले जाइए, कितनी खूबसूरत है उनकी राजधानियाँ। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है लेकिन चारों तरफ कूड़ा कूड़ा कूड़ा। क्यों? क्योंकि MCD दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती। MCD अपने आप में एक सरकार बनी हुई है जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, दिल्ली को बाकी राजधानियों की तरह दिल्ली को भी साफ सुथरा किया जाएगा, दिल्ली को भी हरा भरा किया जाएगा। आज DDA 70 साल पहले DDA बनाई गई थी, इसलिए बनाई गई थी कि एक गरीब आदमी को मिडिल क्लास के आदमी के लिए घर बनाएगी। DDA ने क्या किया? DDA ने केवल और केवल बिल्डरों को प्लॉट काट काट के दिए। आज DDA भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। आज एक घर खरीदना मिडिल क्लास के आदमी के लिए भी नामुमकिन हो गया है। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, 10 साल के अंदर दिल्ली के रहने वाले हर व्यक्ति को
सस्ती और आसान किस्तों में उनके लिए घर बना के दिया जाएगा। तो दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। हमें दिल्ली की सरकार को उनसे काम करने के लिए केंद्र सरकार से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, एंटी करप्शन ब्रांच वापस दिल्ली के लोगों के अंडर में आएगी। सब लोगों को, दिल्ली के लोगों को याद है कि 49 दिनों में किस तरह से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, क्योंकि 49 दिनों में एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास थी। लेकिन मोदी सरकार ने आने के बाद हमसे एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली और आज फिर से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। वापस दिल्ली सरकार के अंडर में एंटी करप्शन ब्रांच और पुलिस आएगी तो दिल्ली से भ्रष्टाचार भी दूर करेंगे। और भी बहुत सारे काम हैं जो दिल्ली के अंदर हो सकते हैं जब दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी। इन दोनों पार्टियों ने अभी तक हमें धोखा दिया। कांग्रेस ने पिछले 20 साल से कांग्रेस कहती आई है कि अगर उनके 7 एमपी आएंगे तो वो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएगी। हर मैनिफेस्टो में कहती थी। दिल्ली के लोगों ने 2 बार कांग्रेस के 7 एमपी बनाए, लेकिन कांग्रेस ने धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 2014 के चुनाव में मोदी जी ने खुद दिल्ली में रामलीला मैदान में आके बोला कि 7 एमपी मेरे बना दो, मैं दिल्ली को पूरा राज्य बनाऊंगा। लेकिन मोदी जी ने भी धोखा दिया, 5 साल के अंदर उन्होंने पूरा राज्य नहीं बनाया। दिल्ली आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी के अगर 7 एमपी आते हैं, हमें जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी हम इस बार दिल्ली को पूर्ण राज्य बनवा के रहेंगे। अब मैं मनीष जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने बात करें। बोलता है अरविंद केजरीवाल जी ने मैनिफेस्टो की जो उसके पीछे का स्पिरिट है आम आदमी पार्टी का, और इस मैनिफेस्टो में जो इसकी आत्मा है कि किस तरह से इसको दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के वादे के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में, इसको बहुत अच्छे से रख दिया है। मुझे लगता है बहुत सारे मुद्दे हैं जो दिल्ली सरकार, क्योंकि हम मैनिफेस्टो कमेटी के अंदर हमने इस पर काफ़ी डिस्कस किया था कि किस तरह से दिल्ली सरकार के बहुत सारे ऐसे काम जो संविधान के तहत दिल्ली सरकार के दायरे में रखे गए लेकिन पूर्ण राज्य ना होने के कारण कभी भी करने में अड़चने आती हैं। और सबसे बड़ी चीज कि दिल्ली का ईमानदार टैक्स पेयर, दिल्ली का आम आदमी इतना टैक्स केंद्र सरकार को देता है, लेकिन केंद्र सरकार उसके बदले में पूरे देश से जो टैक्स इकट्ठा होता है वहां बाकी राज्यों को 8-8, 10-10 हजार करोड़ रुपए देती है और दिल्ली सरकार को दिल्ली के लोगों पर खर्च करने के लिए केवल 325 करोड़ रुपए सेंट्रल टैक्स में से इकट्ठा करके जो दिया जाता है वो देते हैं। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो दिल्ली के लोगों के काम करने के लिए कम से कम 5-6 हजार करोड़ रुपए हर साल सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पूल से इसलिए मिलने ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं बाकी चीजों को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं मुझे लगता है एक बार और अंडरलाइन करके देखने की जरूरत है। सीलिंग ऐसा इशू है जो दिल्ली के व्यापारी बहुत लंबे समय से झेल रहे हैं। अगर आज दिल्ली पूर्ण राज्य होती तो 24 घंटे के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की चुनी हुई सरकार दिल्ली में सीलिंग रुकवा देती, पर क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है तो दिल्ली के व्यापारियों के साथ धोखा कर रही है केंद्र सरकार, उनके साथ छलावा कर रही है। एक तरफ उनकी दुकानें सील करवा रही है और दूसरी तरफ उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार कर रही है। इसी तरह से आज दिल्ली पूर्ण राज्य होती तो दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर्स को परमानेंट कर दिया गया होता। आज दिल्ली पूर्ण राज्य होती तो दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर्स की इतनी कमी है। अब बड़ी अजीब चीज है, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली की चुनी सरकार बनाएगी, अस्पताल पे नए बेड बनेंगे तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार करेगी, लेकिन वहां जब मरीज पहुंचेगा तो उसको देखने के लिए डॉक्टर कितने होंगे कि नहीं होंगे वो केंद्र सरकार तय करेगी। आज दिल्ली पूर्ण राज्य होती तो दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी हो गई होती और जितने लोग एडॉप्ट पर काम कर रहे हैं उनको परमानेंट कर दिया गया होता। एंटी करप्शन ब्रांच और लोकपाल दोनों का सपना, एंटी करप्शन ब्रांच आज अपने पास होती जीरो करप्शन हो गया होता, जीरो। अभी भी नीचे के लेवल पे छोटा छोटा खबरें मिलती रहती हैं, टॉप लेवल का करप्शन मिनिस्टर लेवल का पॉलिटिकल लेवल का रुका लेकिन नीचे अभी जारी है। लोकपाल बन गया होता, लोकपाल हमने पास करके पहले साल में केंद्र सरकार को भेज दिया था, सिर्फ इसलिए भेजना पड़ा क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं। दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो जन लोकपाल जिसके लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई वो पास हो गया होता, तक लागू हो गया होता। इसी तरह से पॉल्यूशन से लेकर परिवहन तक मिनिमम वेजेस का आपको सबको पता है कि हमारे दिल्ली के गरीब लोगों के मिनिमम वेजेस दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने बढ़ाए लेकिन पूर्ण राज्य ना होने के कारण 1.5 साल उसमें डिले हो गया।
दिल्ली के बहादुर सैनिकों को, दिल्ली के बहादुर सिपाहियों को, दिल्ली के यूनिफॉर्म वालों को अपनी ड्यूटी करते हुए शहादत अगर किसी ने दी तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की तुरंत राशि की योजना दिल्ली सरकार ने लागू की, लेकिन वो 1.5 साल लग गया उसको ऐसे परिवारों को मदद देने में जिनके परिवार के लोगों ने अपना फर्ज निभाते हुए शहादत दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं था। तो मैं इस पर ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज और कहूंगा कि आमतौर पर कहा जाता है जब हम कहते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना है तो बड़ा लेमन लैंग्वेज में कोई आके कह देता है कि दिल्ली तो देश की राजधानी है, दिल्ली को कैसे पूर्ण राज्य बनाया जा सकता है। तो इसीलिए इस मैनिफेस्टो में हमने, क्योंकि ये मैनिफेस्टो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे, हम सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिल्ली की जनता के बीच लेके जाएंगे, वहां इसकी डिमांड को समझ सकें, इसके पीछे के उसको समझ सकें और इन तर्कों को कुतर्कों का सच समझ सकें, इसलिए हमने इसमें डाला है कि किस तरह से देश, दुनिया के हर देश में राजधानी है, वहां की राजधानियों ने अपने शहरों को किस तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा दे रखा है, ये हमने इसमें डाला है। मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण पढ़ के दे देता हूं। दिल्ली में स्थानीय पुलिस दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं है, लेकिन लंदन, बर्लिन, मॉस्को, मेक्सिको सिटी, ओटावा, वाशिंगटन डीसी जैसे तमाम शहरों में वहां की चुनी हुई सरकार के पास में स्थानीय पुलिस का कंट्रोल है। अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण यहां दिल्ली सरकार नहीं करती, केंद्र सरकार करती है। लंदन, बर्लिन, मॉस्को, मेक्सिको, ओटावा, वाशिंगटन डीसी ये बड़े ऐसे शहर हैं जहां हमारे बड़े बड़े लोग जाके जिनसे इंस्पायरेशन करते हैं, कभी कहते हैं हम दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे, कभी कहते हैं हम लंदन बनाएंगे, कभी कहते हैं मॉस्को वाशिंगटन जैसा बनाएंगे। उन लोगों के लिए मैं समझ के लिए कहना चाहता हूं कि अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण इन सारे शहरों में वहां की चुनी हुई सरकार के पास है। जमीन और अर्बन डेवलपमेंट के इशूज सारे वहां की चुनी हुई सरकारों के पास है, हमने सारे कागज पढ़े उनके। आवास हाउसिंग की जितनी स्कीम्स लानी होती है वहां स्टेट गवर्नमेंट लेके आती है, वहां की चुनी हुई सरकार लेके आती है। परिवहन की जितनी योजनाएं हैं, लोकल बॉडीज पर नियंत्रण है, ये सारा का सारा वहां स्थानीय सरकारों के हाथों में, वहां के राज्यों, वहां के शहरों की जो चुनी हुई सरकार है। तो ये जो छलावा किया जाता है सब दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ कैसे हो सकता है, इसीलिए हमने इसमें प्रपोजल दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस वाली नई दिल्ली, कैंटोनमेंट एरिया और जो जितना विदेशी दूतावास वाला एरिया है, इसको छोड़ के बाकी सारी की सारी दिल्ली को, जो कि कुल मिला के 3% आबादी रहती है यहाँ पे दिल्ली की, बाकी की 97% आबादी को पूर्ण राज्य के दर्जे के नागरिक के तरह से रहने दिया जाए, वो अपनी सरकार चुने तो अपनी सरकार से अपने काम करवा सके, उससे अकाउंटेबल कर सके, उसको बात कर सके, उस पर भरोसा कर सके कि ये हमारी सरकार हमारे लिए चुनी गई है। तो इस मैनिफेस्टो को हम जनता के बीच में भी लेके जाएंगे और आपसे भी गुजारिश है कि इस मुद्दे को वास्तविक रूप से, इसका जो वो है उसके रूप में जनता के बीच लेके जाने में मदद करें। धन्यवाद।